हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू अबाउट एक्सरसाइज 13A, क्वेश्चन नंबर 11। साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सर्व करके आपको राइट हैंड साइड लाना है। कल हम लोग 1 to 10 क्वेश्चन सर्व किए हुए थे, अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखिए कि पहले भी हम बोले हैं कि टेन कॉट सेक यदि कॉसेक में है तो उसको इजी वे में करने के लिए साइन कॉस में हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अभी यहां हम देखते हैं कि साइन और कॉस भी दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस थीटा से यदि हम डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा बचता है, और साइन साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसा ही प्रोसेस है, साइन से डिवाइड करेंगे साइन कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम करते हैं कि कॉस स्क्वायर को हम यहां कर देते हैं, प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा बाई इंटू साइन थीटा। अब आगे देखिए, अब यहां पर देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोनों में से 2 का मान आप ले लीजिए, तो 1 प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये और ये आपका कट जाएगा। अब कितना बच गया, 2 बाई साइन थीटा। अब 2 बाई साइन थीटा को 2 इंटू हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा का मतलब 1 बाई साइन इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आई, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहां पर आ गया tan और cot, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको sin और cos में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फॉर्मूला याद हो रहना चाहिए, कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर ठीक है, नीचे में आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटा, अब यहाँ एलसीएम यदि हम निकालते हैं तो साइन थीटा यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटा, यहां भी आप एलसीएम निकाल लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। एक लाइन और यहां नीचे में करते हैं, अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा बटा ये आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहां पर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां कॉस माइनस साइन है, इसको यदि हम सेव करना चाहें तो यहां माइनस कॉमन ले लेंगे, ये साइन प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस हो जाएगा। आगे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस अब यहां पर माइनस का मान लेना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू, अब चेंज हो जाएगा यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों सेम आ गया। अब यहां पुनः हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम यदि हम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां मल डिवाइड कीजिए इसे तो क्या बचेगा, ये पूरा पार्ट आपका कट जाएगा, साइन बचेगा और साइन से साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, अब ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है तो ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये और ये पूरा पार्ट कट जाएगा आपका, यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इतना आ गया। हमें लेना है वन प्लस एक थीटा प्लस कॉस एक इंटू कॉस एक थीटा। अब क्या करेंगे कि अलग अलग हम इसको बटा में कर देते हैं तो वन बाई इतना आजकल प्लस वन बाई इतना बाई यहां पर देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं कितना हो जाएगा वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों कट जाएगा। अब यहां पर वन बाई साइन थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा, यहां भी हमने अलग अलग कर दिया प्लस वन। अब फॉर्मूला पर आते हैं वन बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉस सेक थीटा इंटू वन बाई सेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस वन, ये आपका इंप्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि 12 के अनुसार ही आप 13 सॉल्व कर लेंगे, 14 भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर फोर थीटा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए लेफ्ट हैंड साइड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें लाना है वन बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर फोर थीटा, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं वन बाई सेक स्क्वायर है तो इसको हम बदलते हैं तो कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा इंटू वन बाई साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यहां साइन है टोटल तो कॉस को हमने साइन पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं
और कॉस को हम साइन में बदल देते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो वन बाई हम मल्टीप्लाई कीजिए अलग अलग, साइन स्क्वायर इंटू वन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा, ये आपका सर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन नंबर 16 भी आप कोशिश करेंगे बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा आप कमेंट में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन के पावर 6 है और कॉस के पावर 6 है, तो इसको हम पावर के पावर में तोड़ लेते हैं सबसे पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा के पावर में क्यू, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर में थी। अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी यहां हम लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब देखिए इसका मान कितना होता है, वन, इसका मान हम वन लिख देते हैं। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर बी हो गया, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वन हो गया। अब देखिए यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन, वन का स्क्वायर वन, यहां वन स्क्वायर लिख देते हैं, इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, टू और वन कितना होगा, थ्री, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका प्रूफ। ठीक है, अब इसी में आप 17 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड आप कोशिश करेंगे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, उसी पैटर्न पर हम चलते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले हम क्या करें, वन माइनस टेन को हम साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटा यहाँ भी हमने कॉस का एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान वन ही होता है। यहाँ हम क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा बटा, इसका मान वन होता है। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा, हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, का फर्स्ट, tan थीटा बाई sec थीटा माइनस वन प्लस tan थीटा बाई sec थीटा प्लस वन, इसको या तो साइन कॉस में आप चेंज करके बना लीजिए, आसानी होगी। इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, टू cos sec थीटा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो sec थीटा माइनस वन इंटू sec थीटा प्लस वन, ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा। अब tan थीटा से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस, अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा तो ये बचेगा, कितना आ जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कट गया, यहां पर कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 2 tan थीटा इंटू sec थीटा बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा इंटू sec थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा, एक tan हम कटा देते हैं यहाँ पर, यहाँ हमें लगा है cos, तो इसको हम कर देते हैं 2 इंटू 1 बाई sec को हमने cos में बदल दिया बटा tan को हम बदल देते हैं sin थीटा बाई cos थीटा में। अब इसको क्या करें, 2 cos थीटा इंटू cos ऊपर चला जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और sin नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 इंटू 1 बाई sin अर्थात cosec थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया, 2 cosec थीटा। अब इसी तरीके से आप 19 का सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कोशिश आप करेंगे 20 भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। 21 जो क्वेश्चन है कल हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।